इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, एनसीआर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मनमोहन सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद संचालक महोदय, एनसीआर शाखा अध्यक्ष श्री टी के गुप्ता जी, इस कार्यक्रम के सफल संचालक सर्वाद अध्यक्ष भाई लोकेंद्र कुमार जी, सम्मानित पदाधिकारीगण, मित्रों, समय तो बहुत हो गया, 9:15 बज रहा है। गुरु से ही वक्ता लोग कहते हैं कि समय देना है, समय देना है, समय आते आते ऐसा समय ही रह जाता है, फिर बोलने की इच्छा भी होती है, तो क्या कहूँ आप लोगों से। मित्रों, लोकल स्तर की जो समस्याएं थी और जो समस्याएं पैदा की जा रही है, उस पर चर्चा आप लोगों ने विधिवत रूप से सुना। राष्ट्रीय स्तर की जो समस्या थी, महंगाई भत्ता, महंगाई राहत भत्ता को लेकर के NFIR के निर्देश पे NCRES के महामंत्री आदरणीय RP सिंह साहब के आह्वान पे 17 जून से 21 जून तक प्रयागराज जोन की तीनों मंडलों के द्वारा विरोध का कार्यक्रम विधिवत रूप से किया गया था। हुआ तो पूरे इंडियन रेलवे में NFIR से एफिलेटेड जितने भी संगठन हैं, सारे लोगों ने अपने अपने स्टेशनों पे करने का काम किया था। मित्रों, पुरजोर तरीके से विरोध किया गया, ऐसा निर्देश भी मिला था कि कहीं से कोई कमी न रह जाए। हुआ भी समापन भी हम लोगों ने कानपुर सेंट्रल पे प्लेटफार्म पे प्रदर्शन करने के उपरांत समापन करने का काम किया। प्रयागराज में मंडल रेल प्रबंधक महोदय को ज्ञापन देने के साथ साथ उनको भी ये बात कही गई कि भारत सरकार तक NFIR NCRES का ये संदेश पत्र के माध्यम से पहुंचाने का काम करें। कुछ परिणाम हम लोग लेके आ पाए मित्रों आपके बीच में, महंगाई भत्ता रिलीज हुआ है आपका, लेकिन एरियर के लिए सरकार आनाकानी कर रही है। कहा जाता है कि श्रम संगठन का एक सिद्धांत होता है, एक सोच होनी चाहिए, जो अधिकार और सम्मान हमें नहीं मिल रहे हैं उनको हमें कैसे वापस लेना है, और जो अधिकार हमें मिल गए हैं उनको कैसे सुरक्षित रखना है, ये चिंतन संगठन को करते रहना चाहिए। मित्रों, NFIR इस पे बहुत ही फिक्रमंद होके चिंतन कर रहा है। NCRES के महामंत्री जी अभी 23 और 24 तारीख को आगरा में वर्किंग कमेटी मीटिंग का आह्वान भी किया, उन्होंने पोस्टर आ गया है, आज आपके बीच में आ जाएगा। एरियर के भुगतान को लेकर के मित्रों NFIR और NCRES बहुत गंभीर मुद्रा में है, और इस पे विचार हो रहा है कि आगे की रणनीति हम लोग कैसे बनाए। मित्रों, प्रयास होना चाहिए आपके तरफ से, निश्चित रूप से इस पे भी सफलता हम लोगों को मिलेगी, ऐसा हम लोगों का प्रयास। दूसरी जो स्थित परिस्थित है आप लोग देख रहे हैं, पुराने रेल मंत्री महोदय उनकी विदाई हो गई, महासंघों के दबाव में वो कुछ रहा करते थे, माननीय प्रधानमंत्री महोदय भी सोचते रहे होंगे। निश्चित रूप से रेल का उन्होंने जो स्थिति बनाने का काम किया है, रेल का नेटवर्क जो ध्वस्त करने की सरकार की सोच चल रही है मित्रों, उसको और मुखर रूप से कामयाबी देने के लिए नए रेल मंत्री का आगाज हुआ है, हमें कहने में कोई संकोच नहीं है। आप लोगों को भी मालूम होगा कि IAS कैडर से है, IAS कैडर से है, और रेल मंत्री के रूप में अब आपके बीच में पदासीन होकर काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से निजीकरण को और बढ़ावा देने की रूपरेखा इनके द्वारा होगी। गन फैक्ट्रियों की स्थिति आप देख रहे हैं, रक्षा मंत्री तक आए थे, सारे महासंघ के नेतागण गए थे, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली है। मित्रों, सोचना आप लोगों को है इस पे, अधिकारियों की बात छोड़ दीजिए, आपका सम्मान और अधिकार धीरे धीरे जो है खतरनाक स्थिति में पहुंच रहा है, सुरक्षित होने की स्थिति नहीं बन रही है। इस पे आप सभी लोगों को जागरूक रहने की जरूरत है, आवश्यकता पड़ेगी NFIR NCRES आपके बीच में आएगा मित्रों,
और निश्चित रूप से जो भी हमारे आंदोलन की रूपरेखाएं बनेगी आप लोगों को सूचित किया जाएगा। हम लोग भी परसों आगरा जा रहे हैं मित्रों, जो रणनीति वहां पे बनेगी उसको क्रियान्वित करने के लिए हम लोग पुनः आपके बीच में आने का काम करेंगे। रह गई स्थानीय स्तर की बात, अभी हमारे वक्ता साथी पटेल जी पीपीओ का मुद्दा उठाए थे। मित्रों, प्रशासनिक अधिकारियों का यह मानना हुआ करता है कि हमारा काम नहीं रुकना चाहिए। जब काम फंसता है तो हर तरीके से समन्वय बना के निकालने का काम करते हैं। टेक्नीशियन से बोल दिया जाता है कि आप लोगों को संचालित करिए, एक फिट से दूसरे का पे लगाइए। नियमानुसार तीन लोगों से ज्यादा संटिंग नहीं होती है, चार चार पांच पांच लोगों की संटिंग कराई जाती है। काम सफलतापूर्वक निपट गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं विफल हुआ तो उन्हीं कर्मचारियों को ये कहा जाता है कि तुमने सेफ्टी का उल्लंघन किया है, तुम्हें चार्जशीट दी जा रही है, सस्पेंड किया जा रहा है। एक दिन चर्चा हो रही थी कार्यालय में, शाखा स्तर के पदाधिकारी लोग भी इस पे चिंतित थे। मित्रों, हमारा ये मानना है साथियों कि अगर प्रशासन नियम से परे होकर के काम कराने की सोच रहा है तो छोटी छोटी जो भी आपको लालचें दी जाती हैं, सीआर एलआर दिया जाता है, इस तरह के अगर कोई कृत्य किए जा रहे हैं तो आप जागरूक हो। पीपीओ का स्टाफ कुछ जागरूक हुआ है, हमारे पॉइंट्समैन स्टंटमैन और जो टेक्नीशियन वहां संचालित करते थे लोगों, उन लोगों को अब लगा है कि नहीं, प्रशासन हमारे साथ नियम से काम करिए। प्रशासन के अधिकारी भी कह रहे हैं कि सेफ्टी से हम कोई समझौता नहीं करेंगे। हम लोग भी आपसे कह रहे हैं मित्रों कि काम करिए, लेकिन सेफ्टी से कोई समझौता हम भी नहीं करेंगे। अगर भाईचारे में लोगों निकालने का काम हो रहा है, संटिंग कराने का काम हो रहा है, अगर नियम से विरत है तो उससे आप स्टैंड करिए, एनसीआरएस आपके साथ खड़ी है। मित्रों, कहीं से अगर आपको कोई ज्यादती होती है तो एनसीआरएस आंदोलन करिए। अभी परसों की बात है, यमोन सेक्शन के हमारे सीनियर कर्मचारी, हम ही लोगों के बैच के हैं, एसके निगम, लोगों लाइन पे नहीं गया था, यही उसकी कुछ कमी थी काम की। फेल भी नहीं हुआ लोगों, कोई दिक्कत भी नहीं हुई और उस कर्मचारी को चार्जशीट दे दी। कल गए थे कार्यालय में, कह रहे थे बताइए हमारी गलती क्या। हमने कहा चार्जशीट आप मत लो। बोले हमने चार्जशीट ले लिया है। हमने कहा बचा क्या, चार्जशीट नहीं लेते, प्रशासन के सामने स्टैंड होता, जो स्थिति बनती, हमें नहीं कह रहे हैं कि स्पंज होती, लेकिन जो स्थिति बनती कम से कम विरोध होता, विरोध के बाद स्थिति जैसी बनती उस तरह का स्टेप हम लोग लेते, लेकिन चार्जशीट नहीं लेते। मेरा ये कहना स्पष्ट रूप से साथ में कि प्रशासन अगर इस तरह से जास्ती पे उतारू है, हर काम नियम कानून से कराना चाहता है, तो आप लोग भी नियम कानून के परिधि में ही काम करिए। कोई भी अधिकारी, हमारा ये मानना है कि कोई भी अधिकारी बहुत ज्यादा दिन तक नियम कानून से नहीं चल पाएगा। कारण उसका है, ऊपर इनके चेंबरों से लेकर के घर परिवार तक, बंगलों से लेकर के पूरा सिस्टम आपके ऊपर इनका चलता है। अगर एक दिन यूनियन आपके सहयोग से खड़ी होगी तो प्रशासन कैसे संचालित किया जाता है, इनको भी 10 बार सोचना पड़ेगा। मेरा यही कहना था, बार बार मैं कहता था सीनियर डी महोदय से, डी महोदय से, कि एक समन्वय बना के चलिए। चार्जशीट देने से आपका आउटपुट ज्यादा नहीं निकलेगा, लेकिन शायद इनके समझ में अभी आ रहा है कि चार्जशीट हम देंगे तो हम कामयाब होंगे। दबाव में कभी सेठ के लोग काम नहीं करेंगे। मित्रों, इस बात को स्पष्ट आप जान लें, अगर जरूरत पड़ेगी सीनियरिटी का मुर्दाबाद करने का, सीनियरिटी का घेराव करने का, जैसा कि अब तक हुआ है, मित्रों मैं शाखा स्तर से आपको आश्वासन देता हूं कि पूरा एनसीआरएस की टीम, जरूरत पड़ी तो कानपुर क्षेत्र की ब्रांचें भी आपके बीच में रहेंगी और पुरजोर विरोध करने का काम होगा। दूसरी बात है साथियों, टाइम ऑफिस की बात, जो भी हमारे महिला साथी हैं हमारे बीच की साथी, हमारा ऐसा मानना है, सोचना है, एनसीआरएस सबका सम्मान करना है, लेकिन
हम सम्मान तब तक कर पाएंगे जब तक हमारे कर्मचारियों का भी सम्मान आप लोगों के द्वारा होगा। पिछले महीने की बात है, यही मैं खड़ा हुआ था, हमारे कुछ साथी थे फाइव रनिंग के, मुझे आज भी याद है, यही महिला कर्मचारी लेट से आई थी। उन लोगों ने पूछा, मैडम हम लोग अगर लेट हो जाते हैं तो आप टोकन देने से मना कर देते हैं, आप लेट हो गई तो क्या होना चाहिए। तपाक से भीतर से आवाज आई कि जिससे शिकायत करते बने कर दो, कुछ नहीं होगा। ये कॉन्फिडेंस इनके अंदर कहां से उत्पन्न हो रहा है, सोचने की बात है। हमारे बीच की महिला कर्मचारी हैं, हमें बोलने में भी संकोच हो रहा है मित्रों, लेकिन जब कर्मचारी का, हमारे बीच के सीनियर कर्मचारी का सम्मान यहां से नहीं मिलेगा तो यूनियन कब तक शांत रहेगी। सोचने की जरूरत प्रशासन में बैठे हुए अधिकारियों को है इस बात की। सैकड़ों लोगों का रिप्रेजेंटेशन पहुंच गया है, उसके बाद भी अभी प्रशासन के कान में जू नहीं रेंग रही है। एनसीआरएस तो यही मांग कर रही कि हमारे बीच में बहुत सारे सीनियर कर्मचारी हैं जो शारीरिक रूप से अक्षम हो गए हैं, बैठ के काम करने में भी सक्षम है, क्यों नहीं उनसे काम कराया जा रहा। महिला सशक्तिकरण की बात है, टीएमएस में भी क्वायल सेंटर, क्वायल सेक्शन में महिलाओं को सेंट्रलाइज कर दिया गया है। इसके बाद यहाँ की स्थिति है, चाहे 3TM सेक्शन हो, M5 रनिंग सेक्शन हो, E7RR हो, E4 सेक्शन, महिलाएं यहाँ पे भी काम कर रही हैं। तो प्रशासन को क्या दिक्कत है, महिला सशक्तिकरण के नाम पे अगर समय कार्यालय आप चलाना चाह रहे हो जहाँ से हमारे कर्मचारी अपमानित हो रहे हैं, तो आप सेंट्रलाइज करो ना किसी सेक्शन में, जहाँ बेंच का काम हो वहीं पे आप सेंट्रलाइज करके पदासीन कर दो। लेकिन ऐसे तो नहीं चलेगा मित्रों कि कर्मचारी आएगा 3 नंबर गेट पे, अगर 5 मिनट उसको लेट हो जाएगा तो यहाँ से झिड़की भरी बातें मिलेंगी, दुर्व्यवहार किया जाएगा, एक कतई बर्दाश्त नहीं होगा। एक श्रम संगठन को संचालित करने के नाते हम शाखा के लोगों के साथ हैं, हम आपके साथ हैं, आपके सम्मान है तो हमारे भी सम्मान है, ऐसा हमारी सोच है मित्रों, और इस पे भी बात होनी चाहिए और बात के साथ साथ निर्णय होना चाहिए। मित्रों इसके साथ साथ मैं और एक बात कहना चाहूंगा, सीनियरिटी महोदय से बात सेफ्टी कैटेगरी की आती है, संचालन की बात आती है, अभी हमारे कर्मचारियों को चार्जशीट मिली है PPO, उन लोगों ने तो स्टैंड शुरू कर दिया है करना कि हम सेफ्टी से समझौता नहीं करेंगे। इसके पहले पिटलेट पे एक एक्सीडेंट हुआ था, गलती उसमें ईटी की थी, ईटी सस्पेंड हुआ, सस्पेंशन उसका रियोक हुआ और प्रमोशन पे आज वो टुंडला में नौकरी कर रहा है, लेकिन उसी गलती में SSC BK सिंह, SSC हरिओम मीना, सीनियर टेक्नीशियन AK दास, पॉइंट मैन रोशन कुमार, एक आध अन्य कर्मचारी भी हैं, 3 साल की WIT कर दी गई। बहुत बढ़िया तरीके से सीनियरिटी महोदय कहते हैं कि प्रिंसिपल सी महोदय का आदेश है कि जब तक उसमें जो है काम नहीं हो जाएगा हमारा जो है पिटलित का, तब तक इनका पनिशमेंट खत्म नहीं होगा। मित्रों हमारा ये कहना है, कम से कम 7-8 महीने से हम स्वयं इस बात के लिए सिफारिश कर करके हार गए, लेकिन सीनियरिटी महोदय शायद समझ में उनके नहीं आ रहा है कि जब मेन उसका कल्पिट सस्पेंशन उसका रियोक हुआ, प्रमोशन होके आज वो नौकरी कर रहा है, तो इन 4 कर्मचारियों की उसमें गलती क्या थी। मित्रों हमारा तो ये मानना है कि शाखा स्तर पे एक नोटिस देके और प्रशासन के अगेंस्ट जो जो भी मुद्दे बर्निंग ज्वलनशील मुद्दे हैं उन पे एक नोटिस देने की जरूरत है, एक आंदोलन यहाँ चलाने की जरूरत है सीनियर DD के खिलाफ कि कर्मचारियों का उत्पीड़न बंद करें, चार्जशीट देना बंद करें, सस्पेंशन नियोग की कार्रवाई बंद करें, जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है उसको देने का काम करें। और यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो हमें कहने में कोई संकोच नहीं है कि चाहे एक दिन का आंदोलन हो, चाहे एक हफ्ते चलाना पड़े, मित्रों उस आंदोलन की रूपरेखा हम लोग तय करके चलाने का काम करेंगे, इनको चैन से बैठने नहीं देंगे मित्रों।
मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। सही बात है, अभी बातें चल रही है सिस्टर यूनियन के हमारे शाखा मंत्री के द्वारा जो एक आरडीओ वायरल हुआ। बहुत ज्यादा मैं इस पे नहीं कहना चाहूंगा, हम और वो बैचमेट हैं। ट्रेड यूनियन करने का एक सिस्टम होता है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आज आप हमारे साथ हैं, आज आप तिरंगा झंडा लेके चल रहे हैं, कल लाल झंडे के साथ भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। ये आदमी स्वतंत्र है, आज चाहे हमारे साथ रहे कल आपके साथ रहे, लेकिन जिस भाषा का प्रयोग किया गया है कतई भाषा की, हम आप सीनियर हैं, हमें नए युवा पीढ़ी को कुछ देने की जरूरत है, संस्कार देने की जरूरत है, कल्चर देने की जरूरत है। क्या हम यही संस्कार क्या हम इसी परिवेश में इसी भाषा में प्रयोग करेंगे तो हमारे जो बीच में नए लोग आए हैं हमें किस निगाह से देखेंगे, इस पे जरूर विचार करेंगे। मैं आश्वस्त करना चाहूंगा हमारे संगठन में जो लोग आए हैं, सीआरएस एन एफ आई आर कैडर से जो लोग हुए हैं, कि आप कतई किसी दबाव में मत आए। आप लोग जहां से जुड़े हैं जिस तरह के सहयोग की आपकी आवश्यकता लगेगी, आगे बढ़ के संगठन उसमें आपको भरपूर सहयोग देगा, आपको तटस्थ करके सहयोग देंगे। इसके लिए आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिए, जो भी आंदोलन होगा, जिस तरह के सम्मान अधिकार की आपकी रक्षा करनी होगी, एनसीआरए सदैव करती रही है, भविष्य में भी करती रहेगी। मित्रों समय ज्यादा हो गया, 9:30 बज रहा है, काम पे भी जाना है। मैं चाहूँ हमारे बीच में कुछ साथी आए हैं, साथियों 5 मिनट और लेंगे, ले आओ। हमारी सदस्यता ग्रहण की है कुछ साथियों ने, भाई अरविंद जी, अरविंद जी आए। अरविंद कुमार जिंदाबाद, अरविंद कुमार का एनसीआरएस में स्वागत है। रोशन मिश्रा जी, रोशन मिश्रा जिंदाबाद। सरवन कुमार, शुभम अवस्थी जिंदाबाद। शुभम अवस्थी का एनसीआरएस में स्वागत है। सरवन कुमार जिंदाबाद। सरवन कुमार तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। साथियों आप लोग का प्यार इसने है, ये एनसीआरएस के साथ लंबी कतार लगी हुई है। विक्रम कुमार जिंदाबाद। विक्रम कुमार का एनसीआरएस में स्वागत है। स्वागत है। आगे आ जाओ, आगे।